हेलो गाइस, मेरा नाम है चंचल और आप देख रहे हैं चंचल एक्सपेरिमेंट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पावरफुल टिल्लू पंप। गाइस, यानी कि समरसेबल पंप आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे। आप लोग उसे 12 वोल्ट से भी चला सकते हो और उसे यूज कर सकते हो। गाइस, उससे आप लोग कितनी भी ऊंचाई पे पानी चढ़ा सकते हो और कहीं से भी पानी ले जा सकते हो। उसे काफ़ी अच्छे से आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे। आपके पास सोलर पैनल हो तो उससे भी आप चला सकते हैं। अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है तो गैस आप उससे भी चला सकते हैं। गैस, आप लोगों को हम काफ़ी अच्छा समर सेविल पंप आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे। गैस, तो बिना देरी किए हुए गैस बनाना करते हैं स्टार्ट। गैस, टिल्लू पंप के लिए हमें जो इसका फैन बनाना है, इसका पंखा बनाना है, तो हम इस पाइप का यूज में लेंगे। गैस, इसका पंखा बनाने में ये 4 इंची का पाइप है। गैस, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, 2 इंची का भी बना सकते हैं, 3 इंची का भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर 4 इंची का बनाएंगे। तो गैस, यहाँ पर हम फटाफट से इसमें कट कर लेते हैं। तो गैस, यहाँ पर हम इस हेक्सा ब्लेड से इसमें कट कर लेते हैं। इसमें हमने मार, देख सकते हैं गैस, इसको हमने यहाँ पर एकदम से गोल में इसे कट कर लिया है अच्छे से। गैस, अब हमें इसके 2 ढक्कन बनाने हैं, तो फटाफट से इसके ढक्कन और अंदर का प्रोपेलर के ढक्कन को हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर गैस हमें पीवीसी सीट लेनी है, जो हमने इसी पाइप से कट करके यहाँ पर सीट बनाई हुई है। इसमें से हमें यहाँ पर ढक्कन कट करने हैं, ऐसे करके यहाँ पर रखना है और इसमें मार्क कर लेना है गैस। तो गैस, यहाँ से हमें ऐसे 2 पीस कट करने हैं। फटाफट से इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, हमने 3 पीस गैस कट कर लिए हैं। 2 ये इसके कैप हो गए और एक हमें यहाँ पर अंदर का प्रोपेलर बनाना है, तो उसका ये छोटा पीस कट कर लिया गैस। तो फटाफट से हम इसमें नाप करके इसमें प्रोपेलर बना लेते हैं। तो गैस, यहाँ पर हमने 8 मार्क कर लिए, यानी कि 4 लकीर 8 लकीर कर ली है यहाँ पे। गैस, आप चाहो तो यहाँ पर 4 भी लगा सकते हो प्रोपेलर। तो गैस, यहाँ पर हमने ये कट कर ली हुई है, इसी पीवीसी पाइप से हमने यहाँ कट की हुई है। तो गैस, हम इनको यहाँ पर ऐसे फटाफट से इस फेविक्विक से लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रोपेलर बन चुका है गैस। अब ये हमने एक यहाँ पर सर्कल कट किया हुआ है, इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे ताकि हमारा ये प्रोपेलर काफ़ी अच्छे से सेट हो जाए। गैस, इसका प्रोपेलर हमने एकदम से बना लिया है, यहाँ पर अच्छे से ये सेट हो चुका है। अब गैस, यहाँ पर हमें इसका ये ढक्कन बनाना है, यानी कि इसे हमें पैक करना है यहाँ पर। तब हम इसमें होल करेंगे एक, फिर इसको हम करते हैं सेट। यहाँ पर एक गैस हमें एक छोटा सा होल करना है, जो हमें यहाँ पर राड लगा सके। तो इस ड्रिल से यहाँ पर हम एक होल कर लेते हैं। अब गैस, यहाँ पर हमें लेना है ये चार्जिंग सॉकेट। तो हमें गैस इसका कनेक्टर बनाना है, यानी कि जो हमें राड ये लगानी है इसमें प्रोपेलर में, तो हम इसका यूज करेंगे। इससे यहाँ पर टाइट करेंगे, ये मोटी पिन का सॉकेट है गाइस, तो हम इसका यहाँ पर यूज करेंगे। इसकी जो ये पिन है, ये हमें गोल गोल घुमाकर इसे निकाल देनी है। तो गाइस, हमें यहाँ पर इसको ऐसे करके यहाँ पर टाइट से इसमें दबा देना है और ये हमारा यहाँ पर कनेक्टर बन जाएगा इसमें सेट करने के लिए। ऐसे करके इसे यहाँ पर हम टाइट कर देंगे। तो गैस, यहाँ पर हमें डालना है इसमें फेविकिक, ताकि ये एकदम से अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा भर देना है इसमें अंदर, और फिर इसको हम इस राड को लगा देते हैं इसमें। ये एकदम अच्छे से यहाँ पर पकड़ कर लेगा। तो यहाँ पर हमें ऐसे करके इसमें टाइट करना है, जो इसका ये बोल्ट है यहाँ पर हम लगा देते हैं और इसे फिक्स कर देते हैं यहाँ पर। ऐसे करके यहाँ पर एकदम से अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा यहाँ। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका प्रोपेलर एकदम से बन चुका है यहाँ। इसकी राड भी यहाँ पर एकदम से सेट हो चुकी है। तो गैस, अब हमें ये लेना है इसका पंखा बनाने के लिए। यहाँ पर हम करेंगे बीचों बीच होल,
गाइस इसमें बड़ा होल नहीं करना है, इसके नाप का होल करना है गाइस। तो हम यहाँ पर फटाफट से इसके नाप का होल कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पर हम लेंगे एक ट्यूब जो साइकिल के अंदर लगता है हवा वाला, वो गाइस हमें यहाँ पर ट्यूब लेना है। आप चाहो तो बाइक का भी ट्यूब ले सकते हो। तो यहाँ पर हमें इसमें गोल गोल इसे कट कर लेना है और इसको हम इस प्रोपेलर में लगाएंगे ताकि हमारा जो पानी है इसमें लीकेज ना हो, इस वजह से हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो गाइस इसको हमने यहाँ पर गोल कट कर लिया है। अब हम गाइस इसको बीचों बीच यहाँ पर सेट कर देते हैं और इसे फेविक्स से यहाँ पर चिपका देते हैं। यहाँ से हम फेविक्स से अच्छे से सेट कर देते हैं और इसे यहाँ पर ऐसे करके दबा देना है, अच्छे से एकदम से सेट हो जाए। ये एकदम से यहाँ पर सेट हो चुका है। तो गैस जहाँ इसका हमने होल इसमें रखा है वहाँ पर इसमें हम होल बारीक सा होल करेंगे ताकि यहाँ पर हमारा प्रोपेलर है वो एकदम से इसमें टाइट जाना चाहिए। तो यहाँ पर गैस होल हो चुका है, इसमें हमने होल कर दिया। अब गैस इसको हम लगाएंगे, ये यहाँ पर एकदम से टाइट जाना चाहिए एकदम से। तो इसको हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। गैस यहाँ पर हमने यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। ये पीवीसी शीट से हमने इसका बुश बनाया है और यहाँ पर ये ट्यूब लगा दिया और इस साइड भी ट्यूब लगा दिया गैस। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे फिट करके दिखाते हैं आप लोगों को। ऐसे करके इसे यहाँ पर टाइट ही यहाँ पर रहना चाहिए इसे। अगर ये गैस टाइट नहीं रहेगा तो यहाँ से हमारा लीकेज करेगा। ये यहाँ पर ये देख सकते हैं एकदम से अच्छे से यहाँ पर पैक हो चुका है ये, और इसको देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये घूम रहा है। अब गैस यहाँ पर हम इस एक होल करेंगे जो यहाँ पर हम पाइप निकालेंगे। तो गटे के इसमें होल कर लेते हैं। यहाँ पर गैस हमने ये पाइप कट कर लिए हैं। हमें यहाँ पर इससे एल टाइप बनाएंगे यानी कि इसे पानी इससे बाहर की ओर निकल सके, इससे हम यहाँ पर एल टाइप बना लेते हैं फटाफट से। तो गैस इसको हम यहाँ पर कर देते हैं इसमें फिट और इसे अच्छे से यहाँ पर सेट कर देते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से एकदम से पैक हो चुका है यहाँ पर। तो गैस अब हम लेते हैं यहाँ पर ये एक गोल सर्कल कट किया हुआ है और एक यहाँ पर हमने ये पाइप कट किया हुआ है। तो गैस इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे। फिलहाल हम इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं इसमें। यहाँ पर देख सकते हैं इनको हमने एकदम से अच्छे से सील कर दिया है, बंद कर दिया है। फिलहाल अभी हम यहाँ पर ग्लूगन भी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा इसमें, जो बिल्कुल यहाँ पर लीकेज ना हो। तो गैस हमारा फैन बन के रेडी हो चुका है ये। तो गैस अब हम यहाँ पर कनेक्टर एक बनाएंगे जो हमें यहाँ पर मोटर से कनेक्ट कर सकें गैस। तो फटाफट हम कर लेते हैं। दो गैस हमने यहाँ पर सर्कल कट किए हुए हैं गोल, देख सकते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे कनेक्टर और यहाँ पर हमने ये रबड़ के पीस कट कर लिए हैं जो रबड़ बांधने के काम में आती है, वो हमने यहाँ पर यूज में लेना है गाइस। तो यहाँ पर हम फटाफट से इसमें फेविक्विक से सेट कर लेते हैं इनको। तो गैस यहाँ पर देख सकते हैं ये कनेक्टर बन चुका है यहाँ। तो गैस इसको हम यहाँ पर अब फिट करने वाले हैं इसमें। तो गैस एक यहाँ पर हमें और एक कनेक्टर लेना है और इसे हम यहाँ पर सेट करेंगे इस तरफ। तो गैस यहाँ पर भी हम इसमें फेविक्विक लगा लेते हैं फटाफट से। इसमें हमने फेविक्विक लगा दिया, अब इसको हम अच्छे से यहाँ पर फिट कर देते हैं इसमें। तो गैस यहाँ पर हम इस कनेक्टर को यहाँ पर ऐसे करके इसमें सेट करेंगे और यहाँ से हम इस बोल्ट को टाइट कर देते हैं। तो गैस इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे इस मोटर को। तो फटाफट यहाँ पर हम इस पेच से टाइट कर देते हैं। तो गैस यहाँ पर देख सकते हैं ये बन के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसको सेट करेंगे कोई बोर्ड में। तो फटाफट से हम एक बोर्ड में इसे सेट कर लेते हैं।
गैस देख सकते हैं यहाँ पर हमने एकदम से इस लकड़ी में इसे सेट कर दिया है। देख सकते हैं इसका लुक कितना खतरनाक लुक आ रहा है इसका, देख सकते हैं। तो गैस इसकी अब टेस्टिंग की बारी है। गैस हम आप लोगों को अब इसको हम टेस्ट करके दिखाते हैं ये कितनी तेज पानी दे रहा है और कितनी तेज ये वर्क कर रहा है, देख सकते हैं इसका लुक। तो गैस फटाफट से हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो गैस हमारा वाटर पंप आप लोगों को कैसा लगा, देख सकते हैं ये कितनी अच्छे से ये वर्क कर रहा है, देख सकते हैं ये कितनी अच्छे से ये पानी दे रहा है। गैस ऐसा बनाकर आप भी यूज कर सकते हैं गैस। तो गैस हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? जो गैस हमने आप लोगों को ये समरसेबल पंप बनाकर दिखाया है, ये 12 वोल्ट से चलने वाला है गैस। इसे आप लोग सोलर पैनल से भी चला सकते हो गैस, काफ़ी अच्छे से बनाकर दिखाया है। इसका जो ये फैन हमने लगाया है यानी कि पानी वाला पंखा लगाया है, ये 4 इंची का हमने बनाकर दिखाया है आप लोगों को और काफ़ी अच्छे से ये पानी देता है गैस। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी गैस? और काफ़ी मेहनत लगी हुई है गैस इसमें बनाने में इसे। तो गैस हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना गैस। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा देना गैस। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गैस नमस्कार।